हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज बहुत 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 ही स्पेशल दिन है क्योंकि आज मेरे प्यारे से हस्बैंड की बर्थडे है और मैं उनके लिए सुबह सुबह ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ। ब्रेकफास्ट में आजकल मैं उन्हें बना के दे रही हूँ मसाला पराठा, और इसकी रेसिपी बहुत ही ईजी है। मैंने वैसे यूट्यूब पर देखी थी, एक शॉर्ट वीडियो मेरे सामने आई थी, तो मैंने एक दिन ट्राई किया और यासिर को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। साथ में वो फ्राई एग लेते हैं। अगर किसी को चाहिए मसाला पराठा की रेसिपी तो कमेंट कर दें ताकि मैं उनको एक शॉर्ट से वीडियो बना के उसमें बता दूं कि क्या क्या मैं डालती हूँ मसाले पराठे में। आप यकीन करें इतना यम्मी पराठा ये बनता है, और स्पेशली चाय के साथ अगर खाया जाए। इनको मैं ब्रेकफास्ट में भी देती हूँ और कभी कभी ऑफ़िस भी ले जाते हैं जब इनका बहुत दिल करता है, तो आज मैं इनको साथ ऑफ़िस भी दे रही हूँ ताकि ये चाय के साथ दोपहर में ले लें। Six and a half hours later. As you all know guys, I love doing surprises और बहुत सारी यूनिक सी चीज़ें करने का मुझे बहुत शौक है। गिफ्ट तो इंसान ले लेता है लेकिन उसको थोड़ा सा डिकोर ऐसे किए कि अगले वाले बंदे का देखते ही दिल खुश हो जाए कि इसने मेरे लिए एफर्ट किया। As you all know, मुझे इस छोटी छोटी गेस्टर्स कितने पसंद हैं, तो यासिर के लिए भी मैं कैनवस रेडी कर रही हूँ। और मेरे घर में बहुत ही कम सामान है, बहुत कम मटेरियल है, मैं अभी रिसेंटली परचेज करके लाई हूँ। तो मैंने ये छोटी कैनवस बाय की है, बहुत देर से मैं इसको ढूंढ रही थी लेकिन ये वाला साइज़ मुझे मिलता नहीं था, लेकिन अभी रिसेंटली मुझे यहाँ से मिल गया, शुक्र है। और ये कुछ गिफ्ट पेपर के ऊपर मैंने नोट्स लगाने हैं। मैंने सोचा है कि ब्लैक रैपिंग शीट लूँगी गिफ्ट पेपर की और ऊपर वाइट कलर के ये वाले इनके ऊपर स्टिकर्स बना के लगाऊंगी और साथ में रेड रिबन लगाऊंगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं रेड रिबन लाना भूल गई। यासिर के साथ जाना पड़ता है मुझे बाजार, और उनके लिए सरप्राइज़ भी प्लान करना पड़े, तो उन्हें साथ लेके जाना पड़ता है और मुझे वो सारा कुछ एक लंबा प्लान बनाना पड़ता है कि मैंने क्या क्या झूठ बोलने कोई चीज़ लेने के लिए। खैर, ये मैं साथ साथ ट्रेसिंग कर रही हूँ। बटर पेपर के ऊपर पहले मैंने ट्रेस किया, फिर मैंने उसको चार्ट पेपर पे ट्रेस किया। ये मैंने सॉफ्ट चार्ट लिया वाइट कलर का, और उसको ये मैंने ये डिज़ाइन वाली कैंची, पता नहीं इसको क्या सीजर जो डिज़ाइनिंग वाली बोलते हैं व्हाटएवर, तो ये मैंने यूज़ की है। ये मैंने रेड कलर के नीचे बेस दिया और ऊपर या से ट्रेस कर लिया। मैं वाइट कलर का ही ऊपर ये ट्रेसिंग सारी करूँगी इसके ऊपर, इसी के ऊपर। मैंने जब ये यासिर को ओपन करके दिखाया, उनको बहुत ज़्यादा ये पसंद आया, लेकिन वो कह रहे थे कि ये साथ आप एक और छोटी ऐसी बनाएं रेड कलर की और उसके ऊपर वाइट कलर का ही लाइबा लिखें तो वो ज़्यादा सूट करेगा हमारे रूम में लगा हुआ। तो मैं वो भी कंप्लीट करके आपको रूम में लगा के दिखाऊंगी कि कैसा लगा, और आपने बताना है कि आपको कैनवसेज अच्छी लगती हैं या नहीं लगती हैं, तो और किस किस को कैनवस बनाना आती है। बाकी यहाँ पे मैं ये कर रही हूँ जो बाकी के गिफ्ट पेपर है उनके ऊपर। इतना कोई मैसी लग रहा है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। हर जगह चीज़ें ऑर्गेनाइज होती है लेकिन मेरे बेड पे कभी चीज़ें कोई ऑर्गेनाइज नहीं हो सकती। जब मैं इस तरह के काम करती हूँ, मैं नहीं देखती कि कहाँ चीज़ें रख रही हूँ, क्या कर रही हूँ, कहाँ पे गिर रही हैं, क्या हो रहा है, तो एक साथ फिर समेट लेती हूँ। खैर, यहाँ पर मैंने गिफ्ट पैक करना शुरू कर दिए। पहले जो मैंने प्लान किया था, मैंने इतने यासिर की बर्थडे के प्लान किए थे ना, आई कॉन्ट इवन टेल यू गाइज कि मैंने कितने ज़्यादा आइडियाज सोचे थे। पहले मैंने सोचा था कि मैं ना यासिर की बर्थडे है तो यासिर 26 ईयर के हो गए तो मैं 26 गिफ्ट दूँगी। फिर मैंने सोचा कि मैं लेने कैसे जाऊंगी, बाजार जाना बहुत टफ था मेरे लिए कि यासिर के साथ जाना पड़ता है बाजार, तो मम्मा की तरफ मैं गई नहीं थी, तो वो भी एक मेरा प्लान कैंसिल हो गया। फिर मैंने सोचा कि मैं उनको 5 सेंट्स गिफ्ट दूंगी, जिसमें मैंने सोचा था एक जो टच में दूंगी वो मैं उनको उनके ड्रेसेस दूंगी कोई ना कोई, स्मेल में मैंने उन्हें सोचा था कि उन्हें परफ्यूम दूंगी, देन मैंने उनको हेयर में सोचा था कि उनको मैं हेडफोन्स दूंगी या फिर एयरपॉड्स दूंगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने पहले ही ऑर्डर किए हुए थे तो वो भी नहीं दे सकती थी। परफ्यूम हमारे अभी शादी वाले इतने पड़े हुए हैं ना कि वो अभी अनबॉक्सिंग भी नहीं हुई, इतने ज़्यादा पड़े हुए हैं।
देन उसके बाद कुछ ना कुछ मतलब इस तरह, और चॉकलेट्स यासिर को बिल्कुल पसंद नहीं है टेस्ट में, तो मैंने सोचा कि वो वाला भी प्लान फ्लॉप ही है। तो फिर मैंने देखा यासिर के जो कह रहे थे पिछले दिनों कि मैंने ड्रेसेस लेने अपने ऑफिस के लिए कुछ कपड़े लेने हैं, तो मैंने सोचा कि यासिर को फिर ऑफिस के कपड़े ही दे देती हूँ क्योंकि उन्होंने लेने हैं तो फिर मैं दे देती हूँ। तो मैंने कुछ शर्ट्स उनके लिए निकाली और साथ में कुछ पैंट्स वगैरह ऑर्डर की। शुक्र है यासिर उस टाइम घर नहीं था जब वो ऑर्डर डिलीवर हुआ। बाकी ये मैंने कुछ लेटर वगैरह लिखे थे यासिर के लिए, बेडशीट्स वगैरह चेंज कर दिए, मैस पूरा मैंने क्लियर कर दिया है और ये गिफ्ट्स भी सारे पैक हो गए। एक मैंने वॉच भी दी यासिर को। बाकी ये मैंने गिफ्ट्स को अरेंज करने का सोचा कि मैं किस तरह इनको अरेंज कर सकती हूँ और किस तरह बर्थडे प्लान करूँ। तो गिफ्ट्स तो सारे पैक हो गए थे और मुझे बहुत अच्छी मेरी किस्मत कि मुझे ना हमारी मुसहरी जो बनी थी तब वो ये रेड नेट बच गई थी, तो मैंने स्टोर में रख दी थी जब मैं आई थी, तो मैंने वो स्टोर से वही रेड नेट यूज़ की है इसके ऊपर और मेरा जुगाड़ काम कर गया। तो मैंने सोचा था यासिर जब शाम को आएंगे तो मैं इस तरह का उनको गिफ्ट मतलब रख के ना बेड पे तो उनको वो सरप्राइज़ दूंगी। देन मैंने सोचा कि सब फैमिली के साथ छोटी सी बर्थडे सेलिब्रेट कर लेते हैं, तो ये पहले हमने केक कट किया छोटा सा। और ये मज़े की बात है, ये यासिर के साथ जाके लेके आई, यासिर इतना हंस रहे थे। ये एक रात पहले किया यानी कि जिस दिन बर्थडे हुई थी 3 सितंबर की रात की ये वीडियो है, और इतना वो हंस रहे थे कि मेरी बर्थडे अभी सुबह है। मैंने कहा हमने सेलिब्रेट तो करनी नहीं है तो हम ये ना छोटा सा सरप्राइज़ देती हूँ मैं आपको, तो कहते ये तो मैं साथ आया हुआ हूँ तो फिर कैसे सरप्राइज़। तो मैं हंस रही थी, मैंने कहा नहीं ये मेरी तरफ से सरप्राइज़ है, सरप्राइज आपने ऐसे एक्ट करना है कि ये सरप्राइज़ है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर यासिर, हैप्पी बर्थडे। आपके मुंह से लंबी कैंडल है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर यासिर, हैप्पी बर्थडे टू यू। 5 minutes later, अपनी बर्थडे की खुशी में फिर इन्होंने मुझे चाइनीज़ खिलाया क्योंकि चाइनीज़ इनको पसंद नहीं है तो ये ज़्यादा देसी फूड ही ऑर्डर करते हैं, लेकिन अपनी बर्थडे की खुशी में इन्होंने मुझे आज चाइनीज़ खिला दिया है। इसलिए आपसे मेरा दिल करने लग गया कि इनकी रोज़ ही बर्थडे हो और रोज़ ही हम लोग चाइनीज़ खाएं, क्योंकि ये बिल्कुल भी चाइनीज़ नहीं खाते। ही वॉज़ लाइक यार हम कुछ देसी ऑर्डर कर लेते हैं, कुछ देसी ऑर्डर कर लेते हैं। 6.5 hours later, गिफ्ट्स रेडी करने के बाद मैंने बिरयानी बनाई और फिर मैंने ये डिकोर की कुछ चीज़ें मंगवाई और मैंने फ़ौरन से सारी फैमिली को बुला लिया इधर इस घर, और यासिर भी 5 बजे आ गए। फिर इन्होंने थोड़ी बहुत हेल्प की मुझे डिकोर करने में, और ये मैंने केक भी जल्दी से ऑर्डर किया था। जैसे मैंने ऑर्डर दिया था केक वैसा नहीं बना था, लेकिन फिर भी अच्छा बन गया था, जो हमने बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया और यासिर को बहुत अच्छा लगा सरप्राइज़। होप आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकॉन। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।